हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनप और मेरे साथ है इस वक्त मेलिसा राजू थॉमस, जो आई थी मूथॉन में। एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर था उनका। उनका कैरेक्टर का नाम था आमिना। हम मेलिसा से उनके लाइफ के बारे में बात करेंगे और मूथॉन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेलिसा जी, इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती है आप? अरे ये तो आपका स्टैंडर्ड लाइन है, मुझे पता है। ये मेरा स्टैंडर्ड लाइन है? नहीं, खूबसूरत लग ही नहीं रही है बस कुछ नहीं, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है आप। सबसे पहला सवाल, मूथॉन को इतना क्रिटिकल अक्लेम मिला है, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिला है इंडस्ट्री से, आपके फैमिली से, आपके फ्रेंड से और आपके फैन से? आई थिंक यही मतलब सबसे बड़ा मेरा ब्लेसिंग रहा है कि सबके रिस्पॉन्स मूवी को लेके बहुत ही अच्छे हैं। सब ने बोला कि यू नो ऑल द एक्टर्स, सबके परफॉर्मेंसेज बहुत ही शानदार है, तो मेरी डेब्यू फिल्म में ऐसा रिस्पॉन्स बहुत ही हार्ट वार्मिंग फीलिंग है। ओके, ये फिल्म जब आई आपके पास तो क्या आपको इंस्पायर किया इस फिल्म के साथ जुड़ने के लिए? फर्स्ट थिंग वॉज मेरी डायरेक्टर गीतू मोहनदास। जैसे ही उनका कॉल आया और उन्होंने कैरेक्टर के बारे में बोला, आई वॉज लाइक, मैंने लायर्स डाइस उस वक्त देखा हुआ था एंड आई न्यू कि वो कितनी ही टैलेंटेड डायरेक्टर है और उनके साथ मैं कितना ग्रो कर सकती हूँ, तो दैट वॉज माई मेन थिंग। यू नो, वैन यू वर्क ऑन फिल्म लाइक दिस जो काफ़ी सीरियस है, काफ़ी इंटेंस है, एज एन एक्टर कितना एक मुश्किल होता है सेट्स पर, क्या एटमोसफियर होता है? हाँ, एक्चुअली बिकॉज ये मेरा पहला फिल्म भी है तो काफ़ी इंटेंस एटमॉस्फेयर था मेरे लिए, दो बाकी सब लोग बहुत यू नो हंसी मजाक और एंजॉय कर रहे थे। तो आई रिमेम्बर मेरा पहला दिन सेट पे, मैं इतनी ज़्यादा सीरियस थी और मैं इतना मतलब थिंक कर रही थी कैसे करना है, क्या करना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो निविन पॉली, हु इज़ वन ऑफ द स्टार्स ऑफ द फिल्म, ही केम टू मी एंड ही सेड दैट यू नो यू नीड टू टेक इट लाइटली, लाइक जस्ट हैव फन विद इट। दे इवन प्लेड अ प्रैंक ऑन मी। तो बट ये क्या प्रैंक था ये बताइए जरा। तो ये बहुत ही फनी प्रैंक था, इनफैक्ट मेरा फर्स्ट सीन था एंड राजीव रवि सर तो बहुत ही यू नो रिस्पेक्टेड पर्सन है, तो मुझे वैसे भी उनसे थोड़ा सा वो एक इंटिमिडेशन होता है ना, डर था। तो निविन पॉली केम टू मी एंड ही सेड, यू डोंट यू नो मलयालम इंडस्ट्री में हम लोग पहले वो कैमरा को जाके यू नो ब्लेसिंग्स लेते हैं और यू नो सिनेमाटोग्राफर के ब्लेसिंग्स लेते हैं, और राजीव सर इतनी सीनियर है, तुमने ये नहीं किया? तो राजीव सर इज एंग्री विथ यू नाउ एंड आई एक्चुअली बिलीव्ड हिम बिकॉज आई हैड नो एक्सपीरियंस। मुझे लगा मैं बॉम्बे में मॉडलिंग करती थी तो मुझे लगा कि शायद सच बोल रहे हैं और मलयालम में शायद ऐसे ही है, तो मैं और भी ज़्यादा टेंस होने लग गई, मैं अपने लाइंस भूलने लग गई एंड बट जस्ट शॉट के पहले दे केम एंड टोल्ड मी कि दे आर जस्ट जोकिंग। तो उससे मेरा क्या हो ना, वो जो एक जो भी नर्वसनेस ना था वो सब मेल्ट हो गया, तो इट वाज फन आफ्टर दैट। सुपर। निविन के साथ किस तरह का रैपो था? ऑब्वियसली बहुत प्रैंक्स खेलते थे, मतलब ही वाज वेरी वार्म एंड फ्रेंडली एज़ वेल ऑन सेट्स एज़ वेल। हाँ, इनफैक्ट निविन, गीतू मैम, राजीव सर, सब लोग, अनुराग सर, जो भी इस फिल्म से जुड़े हैं, दे आर ऑल वेरी डाउन टू अर्थ पीपल। बहुत ही ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल फील कराया, बहुत ही एक फैमिली फीलिंग थी। हम लोग टिफ में भी गए, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था। चलिए मैं आपसे एक क्लिशेड सवाल पूछता हूँ। आप है बहुत बड़ी स्कॉलर, एकेडमिकली काफ़ी अच्छा किया, अभी स्कॉलरशिप भी प्राप्त किया है, तो फिर इस फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई आप? हाँ, ये तो बहुत ही टिपिकल सवाल है। ये तो मैं बोला क्लिशेड है, पहले मैंने बोल दिया। नहीं, पर एक्चुअली इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैं अच्छा कर रही थी एकेडमिकली भी, बट कॉलेज में पढ़ाई करते वक्त भी मैं थिएटर ग्रुप और डांस ग्रुप में इन्वॉल्व थी, तो मैंने दो मेजर प्रोडक्शंस किए थे सिंगापुर में। और इससे मुझे लाइक थोड़ा और मेरे दिमाग में सीमेंट हुआ कि जिस चीज़ से मुझे मतलब फुलफिलमेंट मिलती है, एक दिल की खुशी होती है ना, दैट इज़ आई थिंक इन द क्रिएटिव स्पेस। तो देन आई थॉट आई शुड यू नो इन्वेस्ट टाइम इन दैट। ओके, इंटरेस्टिंग। शॉर्ट फिल्म भी किया आपने, फेडेड, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, तो आगे कितना शॉर्ट फिल्म्स करने का मतलब पैशन है? डेफिनेटली शॉर्ट फिल्म्स एंड इवन फीचर्स मतलब करने का पैशन है और लिखने का भी पैशन है मुझे। क्योंकि फेवरेट का आइडिया मुझे एक दिन एक्चुअली अचानक से आया, क्योंकि मैं अपने अराउंड बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स देख रही थी जो आजकल के टॉक्सिक रिलेशनशिप्स है, तो मैं उसी से इंस्पायर हुई और मुझे ये आइडिया आया एंड मैंने लाइक लिखना स्टार्ट किया। बट उसके रिस्पॉन्स के बाद जो मैंने रियलाइज़ किया है कि राइटिंग से जो मैंने एज अ एक्टर भी ग्रो किया है ना, दैट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड ऑल्सो वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग है जिसको मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, तो मैं डेफिनेटली और लिखना चाहूँगी और मैं अभी एक्चुअली लिख रही हूँ एक स्क्रिप्ट। सो ओके, ऑलराइट। बॉलीवुड में आने वाले कल में किस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहती है आप और कौन से डायरेक्टर्स हैं आपके विश लिस्ट में? ऐसे मामले में तो मैं बहुत ही ग्रीडी हूँ, मुझे ऑल टाइप्स ऑफ फिल्म्स करनी है, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को चैलेंज करूँ और
डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग लोगों के साथ वर्क कर पाऊँ. ओके ऑलराइट. और किसे रोमांस करना चाहेंगे आप बड़े पर्दे पर? अरे बहुत सारे आजकल तो, स्पेशली आजकल तो बॉलीवुड में इतनी सारे टैलेंटेड हीरोज हैं. बट आई थिंक ग्रोइंग अप समबडी दैट आई लुक्ड अप टू वाज लाइक, और यू नो आई हैड अ क्रश ऑन वाज रणबीर कपूर. बट ऑल द एक्टर्स लाइक विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, तो आई वुड लव टू. बट हाउ डू यू फाइंड रणबीर एज एन एक्टर? There are a lot of his performances that I really look up to as okay. an actor. I think he's really brilliant. He's very disciplined. He's very hardworking. So I think that comes across. Okay. चलिए उम्मीद करते हैं एक दिन आप दोनों पर्दे पर दिखे और आग लगा दे. നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും മലയാളത്തിൽ പറയാൻ? നമ്മുടെ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ മനസ്സ് നിറയെ സ്നേഹം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഹാവൻ വാച്ച് മൂത്തോൺ വാച്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹോപ്പ് ടു സീ യു സൂൺ. അമ്മയുടെ വല്ല ഡയലോഗ് ഓർമ്മയുണ്ട്? ആമിനയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ഡയലോഗ് വാസ് എ വെരി ഷോർട്ട് ഡയലോഗ് വെയർ ഐ സേ അക്ബർ ഫോയെ. വാ ക്യാ ബാത് ഹൈ. താങ്ക് യു സോ വെരി മച്ച് മെലിസ ജി ആൻഡ് വിഷ് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക്സ്. അപ്നെ ലേക്കിൻ യേ നീ ബതായ ആപ്കി ബ്യൂട്ടി കാ രാസ്? അരേ ബ്യൂട്ടി കാ രാസ് ഈസ് ജ്യാദാ സോചോ മത് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബി ഹാപ്പി ഇൻ യുവർ ഓൺ സ്കിൻ. ജസ്റ്റ് കീപ് സ്മൈലിംഗ്. താങ്ക് യു സോ വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു.